जांजगीर चांपा जिले के प्रभारी मंत्री बनने के बाद राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल का आज प्रथम जांजगीर प्रवास हुआ। इस दौरान कार्यकर्ताओं में जमकर उत्साह नजर आया। जगह जगह प्रभारी मंत्री का स्वागत किया गया। पूरे नगर को बैनर पोस्टर से सजाया गया। उन्हें गुड़ से तोला भी गया। अपने प्रवास के दौरान मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने सबसे पहले क्षेत्र के जन नेता स्व बिसाहू दास महंत के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने कहा कि जांजगीर चांपा जिले के लंबित विकास कार्यों को गति दी जाएगी, शासन की योजनाओं को घर घर तक पहुँचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन पर जो विश्वास दिखाया है उस पर खरा उतरने का वो पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना काल में राजस्व विभाग के जो काम लंबित चल रहे थे उन कामों को गति देने का भी प्रयास तेजी से होगा। किस तरह की विभागीय कसावट लाएंगे? बहुत ही लचर व्यवस्था फिलहाल जिले में। देखिए, जांजगीर जिले में जो स्वर्गीय बिसाहू दास महन जी की कर्म भूमि रही है और प्रिया डॉक्टर चरणदास जी महंत इस क्षेत्र से लगातार प्रतिनिधित्व किए, जब से छत्तीसगढ़ में हमारी कांग्रेस की सरकार स्थापित हुई है तो लगातार विकास कार्यों की श्रृंखला काफ़ी लंबी है। इसमें जांजगीर ज़िले में भी डेवलपमेंट हुआ है, कुछ कमियां हो सकता है बची होंगी या कुछ काम नहीं हुए होंगे, तो हम लोगों का ये प्रयास होगा। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने मुझ पर विश्वास प्रकट किया है कि इस जिले को प्रभारी के रूप में मुझे यहाँ दिया भैया डॉक्टर चरणदास महन जी के आशीर्वाद से, तो हमारा ये प्रयास होगा कि ज़िले में जो भी काम अधूरे उनको पूरा किया जाए और शासन की योजनाओं को गांव-गांव घर-घर तक पहुंचाया जाए। इस प्रकार से पूरे प्रदेश में आपके किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए जो हमारी सरकार की सोच है उसके मुताबिक हर क्षेत्र का डेवलपमेंट हो, इस दिशा में काम होंगे। और जो आपने देखा होगा कि प्रशासनिक कसावट लाने के लिए भी काफ़ी जिलों में कलेक्टर एसपीओ की जो चेंजेस भी किया गया है, पहले भी अधिकारी अच्छा काम करते थे और बेहतर काम करने के लिए और अधिकारियों की पोस्टिंग की गई है। इसलिए आप ये मान के चलिए कि जो जवाबदारी मुझे सौंपी गई है तो निश्चित तौर पर जांजगीर ज़िले का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, डेवलपमेंट हो और यहाँ सब टीम भावना के साथ काम करें, इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। ये राजस्व विभाग में समय सीमा है, जो बहुत बड़ी रुकावट होती है, समस्या है जी। देखिए, राजस्व विभाग जो है उसका दायित्व सिर्फ रेवेन्यू के मामले नहीं है। जिस प्रकार से सरकार को 2.5 साल हुआ है और लगभग 1.25 साल से ज़्यादा आपके कोरोना की स्पेसिफिक महामारी ने खराब किया, उसके बाद भी राजस्व का जो अमला है वो पटवारी से लेके चाहे जितने भी अधिकारी कर्मचारी आ रही आपका नायब तहसीलदार, तहसीलदार और रेवेन्यू का तो पूरा आपका एसडीएम, एडिशनल कलेक्टर, कलेक्टर, कमिश्नर सब उसमें आते हैं, तो सब लोगों ने बहुत मेहनत की है इस प्रदेश में जो कोरोना से बचने के लिए, कोरोना से बचने के उपाय और उसमें जो मेहनत की है उसका एक बहुत बड़ा कारण रहा है। आपको मालूम है कि अभी भी लगभग 2-2.5 महीना तक अभी लगातार पूरे रेवेन्यू के काम बंद थे क्योंकि पूरा राजस्व का अमला उसी काम में लगा हुआ था, इसलिए मामले पेंडिंग होते हैं। लेकिन पिछली सरकार के समय जो हज़ारों मामले लंबित थे हमने संभागीय बैठ के कर करके उसमें काफ़ी पुराने मामले भी निराकृत कराए थे और नए मामले भी निराकृत कराए थे और अभी फिर से हम लोग उसमें